शिमला विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यह बैठक हुई है। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा का प्रस्ताव दिया। सोमवार शाम 7 बजे तक सत्र चलेगा। स्पीकर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो चर्चा मंगलवार और बुधवार तक भी जारी रहेगी। दोनों दलों से सौहार्दपूर्ण चर्चा का आग्रह किया तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इस बात की जानकारी दी है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यह अहम बैठक यहां पर हुई है। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा का प्रस्ताव दिया। सोमवार शाम 7 बजे तक सत्र चलेगा। जरूरत पड़ी तो चर्चा मंगलवार और बुधवार तक भी जारी रहेगी, स्पीकर ने कहा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही। प्राकृतिक आपदा से हिमाचल में जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर यहां पर इस बैठक में चर्चा और मानसून सत्र में भी चर्चा की जाएगी। जो हमारे जीतराम कटवाल हैं उनकी तरफ से है और ये दो विषय कल चर्चा में आएंगे। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब और हमारे CPS बरागटा साहब और प्रतिपक्ष के नेता माननीय जयराम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और सभी ये चाहते हैं कि इन 7 दिनों में 7 सिटिंग्स में सत्र की कार्रवाई अच्छे से हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। जो विषय हैं गंभीर हैं, जो विषय जो चर्चा में आया तो इस पर नेता प्रतिपक्ष भी उतने ही पॉजिटिव थे जितने सरकार उसमें पॉजिटिव है कि हम चाहेंगे कि इस चर्चा जो है कल तो चलेगी क्योंकि कल सत्र जो है 7 बजे तक है, तो अगर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सभी मान्य सदस्य अपने अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं उसका उल्लेख भी करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कल से विधानसभा का सत्र है, मानसून सत्र को लेकर यहां पर आज सर्वदलीय बैठक हुई है और इस सत्र में जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल दीपिका, देखिए कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और उनके साथ साथ सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और CPS जिनके पास संसदीय कार्य प्रभार है वो भी जो इसमें उपस्थित रहे और स्पीकर कुलदीप पठानिया उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की और इसमें उनकी तरफ से अपील की गई है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और जो नियमों के तहत जो बातें रखी जा सकती हैं वो सदन में होनी चाहिए और इसमें साफ तौर पर ये तय है कि आपदा को लेकर ही इसमें बड़े जो सदन में अपनी बात है वो सत्ता पक्ष विपक्ष रखेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि सरकार की तरफ से विधानसभा सचिवालय को सूचना दे दी गई है, उसमें प्रस्ताव दे दिया गया है कि कल यानी जब जैसे ही सत्र शुरू होगा तो उसमें प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है प्रदेश में उसको लेकर चर्चा के लिए प्रस्ताव आएगा, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव आने वाला है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी, जो विपक्ष के विधायक है जीतराम कटवाल, उनकी तरफ से भी किसी तरह का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन पहले क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्ताव आया है तो संभव है कि अब जो चर्चा है वो सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू इसमें होनी है। और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने ये स्पष्ट किया है कि जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से आया है तो उसमें वो पहले प्रस्ताव सदन में रखेंगे। हालांकि 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और सबसे पहले शोकोद्गार होगा, यानी जो इस सत्र से लेकर पिछले बजट सत्र के बीच में जिन पूर्व विधायकों की मृत्यु हुई है, जो इस सदन के सदस्य रहे हैं उनके लिए शोक प्रकट किया जाता है और उसमें जो विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं खूबराम अन्नी से, उनके लिए पहले शोक होगा और जो बाकी समय बचेगा उनके शोक प्रस्ताव के बाद उसमें जो बाकी यानी 2 से 3 बजे का पूरा प्रश्नकाल का समय होता है तो शुरुआत जो होगी वो शोकोद्गार से होगी और उसके बाद जो बाकी समय बचेगा उसमें प्रश्नकाल भी लगेगा। लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होगा उस दौरान जो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्ताव पेश किया जाना है आपदा से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर की पूरी सदन जो है आम सहमति इसमें बनाए कि केंद्र सरकार को
इसमें इंटरवीन करना चाहिए, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया जाना चाहिए, इस तरह का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से मूव होगा। ये कल की एक बड़ी अपडेट रहेगी और उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है कुलदीप पठानिया, उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि हम कल भी शाम 7 बजे तक ही सदन को चलाएंगे और अगर चर्चा के लिए कोई विधायक रह जाते हैं, पूरी चर्चा नहीं हो पाती है, तो जो मंगलवार का दिन है वो भी पूरा दिन इसी चर्चा में लगाया जाएगा, फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो बुधवार का दिन भी इसमें लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर विधानसभा भी, सत्ता पक्ष विपक्ष भी पूरे इस सब आपदा को लेकर गंभीर है और हर विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं, उनके वहां क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये तय है कि सदन में गहमा गहमी जरूर होगी, हंगामा जरूर बरतेगा और सरकार पर सवाल जो है नेता विपक्ष ने पहले से ही उठाए हैं कि इस जो कारगुजारी है सरकार की वो ठीक नहीं रही है और सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि हमें केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और हम अपने संसाधनों से सारी चीजें जुटा रहे हैं। जी जी, चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।